हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में टेस्ट करेंगे मेरी न्यू मैकेनिकल पेंसिल्स, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थी। दोनों पेंटेल की हैं, एक है ग्राफगेयर 500 और एक है क्रिएटर स्टाइल। और इसका प्राइस है अराउंड 1200 रुपीज़, इसका प्राइस है 650। वैसे तो मैंने ये कलेक्शन के लिए लिए हैं, बट अब नई लिए हैं तो एक दो बार तो यूज़ करने की चुल मस्ती है ना कि पता नहीं कैसी होंगी कैसी होंगी। तो इनमें लेड डालते हैं और टेस्ट करते हैं, देखते हैं कैसी, आपको भी दिखाता हूँ। और वैसे तो यूजली मैं सकुरा की यूज़ करता हूँ, तो ये भी देखते हैं कैसी है। तो लेट्स सी। सो गाइस, ये हैं दोनों मैकेनिकल पेंसिल, हैं दोनों की पैकेजिंग देख लो किस तरह की है। जो ये वाली है, ये है क्रिएटर स्टाइल और ये 0.5 की है, और ये है ग्राफ गियर 500, ये भी 0.5 की है। दोनों की पैकेजिंग देख लो किस तरह की है। सो अब दोनों पेंसिल्स को बाहर निकालते हैं और दिखाता हूँ किस तरह की हैं, क्या डिफरेंस है दोनों में। सो गाइस, ये है ग्राफ गियर 500 जो कि कुछ इस तरह की है। अब क्रिएटर स्टाइल वाले को निकालते हैं, तो ये रेड कलर में है मेरे पास, ये ब्लैक और ब्लू में मिलती है, तो मैंने रेड वाली ली है। हाथ में पकड़ने में कुछ इस तरह की लगती है क्रिएटर स्टाइल, और ग्राफ गियर भी दिखा देता हूँ आपको। तो दोनों का कुछ आगे का मैकेनिज्म कुछ इस तरह का है। जो ग्राफ गियर 500 है वो थोड़ी हैवी है और उसकी ग्रिप थोड़ी ज़्यादा अच्छी है। सो अब मैं एक पेंसिल में से लेड निकाल लेता हूँ सारी, बिकॉज इसके अंदर जो लेड आती हैं वो HB की होती हैं। तो मैं एक के अंदर 4B की डाल लेता हूँ, तो एक के अंदर तो HB रहेंगी और एक के अंदर 4B, और उस तरह से हम यूज़ करेंगे। सो मैं क्रिएटर स्टाइल वाले के अंदर डालूँगा 4B की लेड। तो इसके अंदर 3 लेड हैं HB की, तो इनको मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर डालेंगे 4B की लेड। तो ये है पेंटेल की 4B 0.5 जो कि बहुत डार्क होती है। इसमें से मैं निकाल लेता हूँ 2 लेड्स जो कि इसके अंदर डाल देंगे। इसके अंदर मैक्सिमम डाल सकते हैं 7-8 लेड एक पेंसिल के अंदर। सो गाइस, अब हम रेडी हैं यूज़ करने के लिए। एक के अंदर है HB की लेड, एक के अंदर है 4B की लेड, तो चलो अब यूज़ करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्राफ गियर 500 और इसके अंदर HB की लेड है जो कि काफ़ी लाइट होती है, तो काफ़ी लाइट ही इसमें हैचिंग हो पा रही है। लाइन्स मैं लगा रहा हूँ, देख सकते हैं आप। ये पेंसिल काफ़ी पॉपुलर आर्टिस्ट यूज़ करते हैं वैसे, ग्राफ गियर 500। 1000 भी आती है, बट 500 ज़्यादा यूज़ करते हैं मैंने देखा है। सो इससे हैचिंग काफ़ी बढ़िया से हो पा रही है, बिकॉज इसकी ग्रिप काफ़ी ज़्यादा मस्त है। सो अब शेड करके देखते हैं, तो शेड भी हम सिंपली इस तरह से कर सकते हैं। सो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ क्रिएटर स्टाइल और इसके अंदर 4B की लेड है, जो कि आपको ऑब्वियसली काफ़ी डार्क लगी रही होगी। मैं बिल्कुल प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, फिर भी काफ़ी डार्क है। 4B की लेड लगा के काफ़ी केयरफुली यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, टूट भी जाती है और फैल भी जाती है, काफ़ी ज़्यादा डार्क होती है। इसलिए इस पेंसिल में थोड़ा अलग ही फील आ रहा है, बिकॉज ये ग्राफ गियर 500 से काफ़ी ज़्यादा लाइट है और आगे का मैकेनिज्म इसका थोड़ा डिफरेंट है, जो कि ग्रिप उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसकी। तो इससे भी शेड करके देख लेते हैं। सो गाइस, अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ एक फेस, जिसमें मैं कंप्लीट हैचिंग करूँगा इन दोनों ही पेंसिल्स का यूज़ करके। पहले मैं HB का यूज़ करूँगा, उसके बाद डार्क करने के लिए मैं 4B का यूज़ करूँगा। तो अभी मैं पेंटेल की ग्राफ गियर 500 का यूज़ कर रहा हूँ, तो बेसिक्स वगैरह। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी मस्त इससे हैचिंग हो पाई है। मैंने दोनों पेंसिल्स का यूज़ किया, और इसको और डार्क भी कर सकते हैं हम और लेयर्स को ऑप्ट करके, बट ये मैंने ओनली 10-15 मिनट में ही बनाया है, तो फिलहाल कुछ इस तरह का लग रहा है। सो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये पोर्ट्रेट जोकर वाला, जो कि आपने देख ही लिया होगा। और इसमें मैंने स्टार्टिंग में आइज़ कम्प्लीटली इन्हीं दो मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके बनाई थी। सो यहाँ से भी आपको चल जाएगा पता कि किस तरह से मतलब अच्छे शेडिंग हो पा रही है नहीं हो पा रही, बिकॉज बिल्कुल रियलिस्टिकली मैं शेड करूँगा इन दोनों पेंसिल्स का यूज़ करके।
सो गाइस, जो मैंने इतना शेड किया है कंप्लीट, ये मैंने इन्हीं दो मैकेनिकल पेंसिल्स का ही यूज़ करके किया है। मैंने और कोई भी पेंसिल यूज़ नहीं किया है, ना ही मैंने ब्लेंड किया है। तो देख लो कुछ इस तरह से शेडिंग हो पा रही है। डार्क के लिए मैंने 4B का यूज़ किया, अदरवाइज़ मैंने HB का यूज़ किया है। बट आगे मैं इसमें और वुड पेंसिल्स का भी यूज़ करूँगा, ब्लेंड भी करूँगा। फिलहाल देख लो कुछ इस तरह की शेडिंग हो पा रही है इन पेंसिल से। सो गाइस, दोनों ही पेंसिल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, दोनों ही काफ़ी प्रीमियम है। दोनों का मैकेनिज्म आगे का थोड़ा अलग है, ये थोड़ी हैवी है, ये थोड़ी लाइट है। तो शेड करते हुए, हैचिंग करते हुए फीलिंग थोड़ी अलग आती है। बट ये थोड़ी ज़्यादा प्रीमियम है, तो इसको मैं रख दूंगा। इसको शायद मैं यूज़ कर लूँ अपनी ड्राइंग्स में आने वाली में, बट इसको नहीं, इसको तो रख दूंगा मैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आइए तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज इसी तरह की और भी अगर मैं टूल लूँगा तो उनकी वीडियो आपको दिखाता रहूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।